देखिए आज की जो प्रेस वार्ता थी इट वॉज रिगार्डिंग द जो फ्लॉड सिलेक्शन प्रोसेस सेट इन मोशन की गई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के थ्रू बाय द एक्टिंग चीफ जस्टिस। इसमें दो चार बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं बिफोर आई स्टार्ट द एक्चुअल प्रोसेस। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल को कहना चाहता हूं कि यहां के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे पहले निसार अहमद कोकरू साहब, मोर देन 300 टू 500 एम्प्लॉइज लगाए गए हाई कोर्ट में या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में विदाउट एनी इंटरव्यू, विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी रिटन टेस्ट, जस्ट बाय पिक एंड चूज सिलेक्शन की गई एडॉक। और अजीब बात है उन एडॉक अपॉइंटमेंट्स को लेटर ऑन रेगुलराइज करके आज वो लोग या तो गेस्टेड कैडर में है हाई कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में या नॉन गेस्टेड कैडर्स पे है। ये हाल है जो पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। अब जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं ताशी रबस्तन जी, मेरे दो तीन सवाल रहेंगे बिकॉज अगर मैं पेंडोरा खोल दूंगा इट विल ओपन ए वाइड पेंडोरा बिफोर द पब्लिक। एक, 2013 मार्च 2013 से ताशी रबस्तन जी ऑनरेबल हाई कोर्ट एक्टिंग जस्टिस जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनका गांव है सुकर भुचा इन लेह लद्दाख। आप ये देखिए कि जुडिशरी में जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट लद्दाख डिवीजन में हुए सुकर भुचा में मेजर चंक मिला गया 2013 से, विच इज अ मैटर ऑफ डाउट कि इतने ज्यादा लोग जुडिशरी में लगना ज्यूरिंग यूर टर्म एज द जज एंड देन एज द एक्टिंग जज क्रिएट्स डाउट। दूसरा, आपको 10 जुलाई 2024 को बनाया गया या रिकमेंड किया गया एज द चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय। प्रॉपर्टी डिमांड्स दैट यू शुड नॉट इनिशिएट अ प्रोसेस, सेट अ प्रोसेस इन मोशन फॉर अपॉइंटमेंट्स। लेकिन बदकिस्मती से 29 तारीख को हाई कोर्ट एक नोटिफिकेशन निकालता है फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ वेरियस पोस्ट, 25 नंबर के करीब 25 नौकरियां निकालता है और रखता है उनको 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त को तक ऑनलाइन भरो। और किन पोस्ट को निकालता है, हो सकता कोई जल्दी होती क्योंकि जज साहब जा रहे थे, हो सकता कोई ऑर्डर लिखाना होता इसलिए स्टाफ की जरूरत थी। आप देखिए गार्डनर 10 नंबर, दूसरा पंप ऑपरेटर 1, रेस्टोरर लेवल SL2 12, और ये तीनों पोस्ट जो कि रफली 23 लोग रहेंगे जिनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। उसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर को सिर्फ उसके लिए एग्जाम रिटन टेस्ट, जबकि प्रॉपर्टी ये डिमांड करती है अगर आपको किसी को नौकरी भी लगानी हो द प्रेसिडेंस हैज बीन टू एटलीस्ट एडवर्टाइज द पोस्ट एंड कीप ए डिस्टेंस ऑफ मिनिमम 1 मंथ फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशंस। देन अदर इज, आपने कहा साहब जल्दी है, जल्दी किन के लिए है, गार्डनर्स के लिए जल्दी है या पंप ऑपरेटर्स के लिए जल्दी है? दिस अगेन क्रिएट अ डाउट बिफोर द माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख कि कोई धांधली हो रही है। इसलिए हम मजबूर हो गए, हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस जिन पे हमें पूरा फेथ है, ही इज द चीफ प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल ऑफ जस्टिस जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हमने पूरी ये दास्ता उनको बता दी है। साहब एक फ्लॉलेस एक सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट की गई और बाय माय नेम एंड बाय माय मोबाइल नंबर एंड बाय माय ईमेल मैंने सारा डिटेल उनको भेजा है। सिर्फ हम चाहते हैं कि नौजवानों का हक ब्लू आइड जो लड़के हैं वो ना खाएं। दूसरा, जो यहां की J&K लीगल सर्विस अथॉरिटी हैज बिकम ए डेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किन के लिए? हाईकोर्ट जजेस के रिश्तेदारों के लिए या जो एम्प्लॉयज हैं उनके रिश्तेदारों के लिए, किथ एंड किन्स ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस और फॉर्मर जजेस या क्या? सवाल है साहब, ये मेरिट के आधार पे होना चाहिए। अगर आज ऑर्डरली भी क्लास 4th को भी अपॉइंट करना है यूटी सरकार की, यूनियन टेरिटरी की या सेंट्रल गवर्नमेंट करता है रिटन टेस्ट, कल को कोई एलिगेशन निकले तो पेपर तो सामने होगा। लेकिन आई स्टिल कांट बिलीव आवर हाई कोर्ट विच इज गिविंग अस ए लॉन्ग लेक्चर ऑन ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, व्हाई आर दे फॉरगेटिंग दीज बेसिक प्रिंसिपल्स? दे हैव टेकन अ ओथ दैट दिस दे विल एक्ट विदाउट फेवर और इल विल। आई कैन ओनली फाइंड फेवर एवरीवेयर। इफ आई ओपन द पेंडोरा इट विल बी अ नेवर स्टॉपिंग प्रोसेस। हियर आई स्टॉप एंड आई अपील टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ अवर
facts. These are not allegations. These are facts. Yes, High Court can, the Supreme Court can take cognizance of the allegations because they need to understand the proof. But with all humility, with all facts, nothing with utter motives. We only want to save the lives of people of Jammu, Kashmir, Ladakh. That merit should be the criteria. Modi sahab ne kaha, insaniyat, jamhooriyat aur kashmiriyat. Sahab, kaha hai jamhooriyat? Ye haal hai Jammu, Kashmir aur Ladakh ki High Court ka. Ek writ petition to already pending hai Supreme Court ka. Court mein, against the illegal appointments by this very High Court. So, ye daitu banta hai mera as a social reformer. Ki main awaaz uthau, bina kisi mazhab millat ke. Lekin awam ko sach batao aur facts ko awam ke samne pesh karo.